नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बीते 15 तारीख को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक दिघा एलिवेटेड रोड की शुरुआत तो कर दी। आप मेरे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड बनाया गया, और हमारे पीछे कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लोग इस रोड को क्रॉस करते हैं। बनाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे एलिवेटेड एक स्टेयर देना चाहिए जिसकी वजह से लोग के लिए आवाजाही सही हो जाए। लोग हाईवे को इस तरीके से क्रॉस करते हैं जैसे गली का रोड हो, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे बीते 3-4 दिनों में हादसे काफ़ी बढ़ गए हैं। कुछ दिनों में कुछ लोग जो हैं वो एक्सीडेंट के शिकार भी हो गए हैं। जिस तरीके से लोग हाईवे क्रॉस कर रहे हैं उसे देख के ये तो नहीं लगता कि ये बिहार में एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल की गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेयर्स नहीं दिया गया है जो कि लोगों को सुविधा पहुँचाए। हालांकि यहाँ पे ओवरब्रिज बनाए गए हैं पर उसका कोई फ़ायदा दिखता नज़र नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले यहाँ पे एक युवक की मौत हो गई, वो रोड क्रॉस कर रहे थे तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें धक्का मार दिया जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आइए जानते हैं कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं क्या कुछ कहते हैं यहाँ के बारे में, किस रोड को बनाने से यहाँ के लोगों को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। आपका नाम क्या है? ऋषिक शर्मा मेरा नाम हुआ। जिस तरीके से यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री पिछले 15 तारीख को इसका उद्घाटन किए हैं, इसका प्रारंभ हो गया है, तेज रफ्तार गाड़ियों से यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसको लेके आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ ये रोड को बनाना जरूरी था या इसके ऊपर स्टेयर्स लगाने जरूरी थे? एक एलिवेटर तो देना जरूरी था, वैसे बोले तो थे कि दे देंगे पर वैसा कुछ काम तो देखने तो में नहीं पे मिला। देखते हैं कि रोड लोग ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे लगता है कि ये हाईवे नहीं, ये कोई गली का किनारा है और चौराहा है जो लोग दौड़ के क्रॉस कर देते हैं और तेज रफ्तार गाड़ियों के चपेट में आ जाते हैं और मौत भी हो जाती है। कुछ घटना घटी थी 2 दिन पहले, उसके बारे में जरा बताएं। 2 दिन पहले यहाँ पे तो 2-3 एक्सीडेंट हो चुका जिसमें स्पॉट डेथ 2 का हुआ था। तो इसको लेके प्रशासन और यहाँ के लोग कुछ नहीं बोले? प्रशासन को उन्होंने लिखित कुछ दिया नहीं कि यहाँ पर आए दिन था, पर कुछ करेंगे तब तो कोई एक्शन नहीं लेंगे। देखिए वहाँ पे कैसे लोग पार कर रहे हैं। तो ये जो पुनाई चक है ये किस थाने के अंतर्गत आता है? ये शास्त्रीनगर थाना के अंदर। शास्त्रीनगर थाना में आप लोगों ने याचिका नहीं दिया कि यहाँ पे एक एलिवेटेड रोड होना चाहिए जिसकी वजह से लगातार लोग? थाना हम लोग को लिख के दिया था कि कुछ दिन में करवाएंगे पर अभी तो कुछ हुआ नहीं है। कैमरामैन को कहेंगे कि हमारे पीछे दिखाएं किस तरीके से लोग साइकिल और अपने आप को जोखिम में रख के रोड क्रॉस करते हैं और चपेट में आ जाते हैं गाड़ियों के, जिसके बाद उनका मौत हो जाता है और उसके बाद परिजन भी काफ़ी दुखद हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि यह रोड लोगों के सुविधा के लिए नहीं बल्कि लोगों के मौत के लिए एक नया सड़क बनकर तैयार हुआ है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।